10th question देखो, particle are projected from a point O in a vertical plane with velocity 2j k under root. Prove that the locus of vertices of their path is the ellipse this. हमें ये मतलब ये prove करके दिखाना है कि जो हमारा path आएगा वो ये ellipse आएगा और velocity क्या given है इस बार under 2j k. अब मैंने मान लिया x और y क्या हमारे पास vertex है. अब vertex का पीछे मैंने formula पढ़ा था, vertex के जो coordinate होते हैं वो होते हैं u square sine of 2 alpha by 2g और होता है u square sine square alpha by 2g. ये हमारे x coordinate को दिखाता रही है हमारे y coordinate. तो x तो हमने मान लिया क्या sine 2 alpha का formula खोल लिया क्या आएगा 2 u square, वैसे sin alpha क्या था 2 sin alpha cos alpha, u square already था by में 2g, 2 से 2 cancel हो गया तो x क्या आ गया u कितना given है हमारे पास under 2g के, squaring करेंगे तो क्या आ जाएगा 2g के, तो यहां से 2g के into sin alpha cos alpha by g, g से g cancel हो गया तो x की value आ गई. इस तरह y वाले को solve करेंगे तो y की value आ गई k sin square alpha. अब हमें क्या चाहिए, equation चाहिए x square plus 4y into y minus k equal to 0. ये prove करके दिखाना है, तो हमें पता चल गया कि हमें x square करना पड़ेगा. जब हम x square को करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, लेकिन हमारे पास cos square alpha क्या लिख सकते हैं 1 minus sin square alpha. तो इस पूरी वैल्यू को पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर इस पूरी वैल्यू को sin square alpha से, फिर हमने क्या किया जो जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो x square इक्वल आ गया 4ky minus 4y square. यहां से अगर हम इनको लेफ्ट में लेके आते हैं साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों में से क्या किया 4y को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स. यही हमें प्रूव करके दिखाना था. जो बाकी के बीच में दो क्वेश्चन बचे हैं वो कल करेंगे, ठीक है.